भगवती कॉलोनी से चोरी हुए ट्रैक्टर को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर तिघरा गांव के जंगल से बरामद किया। खबर पोहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भगवती कॉलोनी की है, जहां 8 फरवरी को घर के पीछे से चोरी हुए महिंद्रा ट्रैक्टर को पुलिस ने शनिवार को परिहार के पास तिघरा गांव के जंगल से ट्रैक्टर बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी गोपाल धाकड़ ने बीते 8 फरवरी को थाना पहुंचकर चोरी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद थाना प्रभारी मनोज सिंह राजपूत ने तत्काल मुखबिर तंत्र मजबूत कर सुराग लगाना शुरू कर दिया है, जहां शनिवार को थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि परिहार के पास तिघरा गांव के जंगल में महिंद्रा ट्रैक्टर रखा हुआ है, जहां पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची, दबिश दी और चोरी हुए ट्रैक्टर को बरामद कर लिया है। इस संपूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक रामेश्वर शर्मा, चेतन शर्मा, कुलदीप शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दिनांक 8 तारीख गोपाल धाकड़ सनोत लालाराम धाकड़ निवासी ग्राम नोनेटा कला और इन्हें थाने पर रिपोर्ट की थी कि उसका ट्रैक्टर घर के सामने उसने खड़ा करके रखा था, ट्रैक्टर ट्रॉली, और अज्ञात चोर ट्रॉली में से ट्रैक्टर निकाल के चोरी करके ले गए। उसकी रिपोर्ट पर से थाना पोहरी में अपराध क्रमांक 45/24/389 IPC का पंजीबद्ध किया गया था और घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रघुवंत सिंह भदौरिया, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव मुले के निर्देशन तथा श्रीमान STOP महोदय सुजीत सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई और तत्काल चोरी हुए ट्रैक्टर की बरामदगी के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान में टीमों को रवाना किया गया था और मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि ट्रैक्टर इस साइड में ग्वालियर साइड में लेके जा सकते हैं चोर, तो उस हिसाब से वहाँ के मुखबिर सक्रिय किए गए और इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि पनियार के पास ग्राम तिगरा के पास जंगल में वो ट्रैक्टर देखा गया है चोरी गए हुए का। तत्काल मौके पर पहुँचे तो वो ट्रैक्टर बरामद किया गया, उसको बरामद करके थाना ले गया।